इंदौर में एक युवक ने ऑनलाइन ऐप से लोन लिया, लेकिन किश्तें ना चुका पाने की वजह से उसने परिवार सहित सुसाइड कर ली। दरअसल पिछले कुछ समय से मोबाइल ऐप से लोन लेने का चलन काफी बढ़ गया है। इन ऐप से लोन लेना सबसे आसान होता है और इसी वजह से लोग इनका शिकार हो जाते हैं। तो क्या ऑनलाइन ऐप से लोन लेना खतरनाक है? इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती? चलिए इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताते हैं। ऐप कंपनियां आवेदक से ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट मांगती हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट डिटेल मांगी जाती है। इस दौरान ये कंपनियां उस मोबाइल नंबर की मांग करती हैं जो आधार कार्ड से जुड़ा होता है। इसके अलावा आवेदक की सैलरी, उम्र, क्रेडिट स्कोर जैसी योग्यताएं भी देखी जाती हैं। सभी डॉक्यूमेंट सही होने पर कुछ ही मिनटों में लोन की रकम ट्रांसफर कर दी जाती है। लोन ना चुकाने पर आपका सिविल खराब हो जाता है। सिविल रिपोर्ट खराब हो जाने के बाद लोन लेने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही कुछ कंपनियां ईएमआई ना चुकाने पर पेनल्टी भी लगाती हैं। इसमें कंपनी 200 रुपए से 1000 रुपए तक की पेनल्टी लगा सकती है। लोन देने वाले सभी संस्थानों को रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होता है। गाइडलाइंस के मुताबिक कर्जदार को मारपीट या धमका नहीं सकते, रिश्तेदारों या करीबी लोगों को परेशान कर सकते हैं। लोन की रकम नहीं चुकाने पर कर्जदार की आपत्तिजनक फोटो रिश्तेदारों और करीबियों को भेजने की धमकी दी जाती है। इसके साथ ही गिरोह लोन लेने वाले को अलग अलग नंबर से फोन करके परेशान करते हैं और मोबाइल हैक करने की भी धमकी देते हैं। भारत में इस तरह के लोन का विस्तार कोरोना काल के वक्त हुआ। कोरोना की वजह से कई लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई और अपने आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए ऐप से लोन लिए। कई जरूरतमंदों ने ऐप का सहारा लिया क्योंकि इस तरह के ऐप बिना किसी गारंटी के इंस्टेंट लोन देते हैं। मोबाइल ऐप के इंस्टेंट लोन के जाल से कई सारी सावधानियों को ध्यान में रखकर बचा जा सकता है। इसके लिए आवेदक लोन से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन ना करें। इसके साथ ही रिकवरी से जुड़े पूरे नियम अच्छी तरह से जान लें। तुरंत लोन देने वाली ऐप कंपनी पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसे किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उस ऐप की विश्वसनीयता की जांच जरूर करें। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।